जगह जगह आए दिन सैनिकों पूर्व सैनिकों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में आज वेटरन एसोसिएशन और पैरामिलिट्री के जवानों ने मिलकर राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी अमरोहा के द्वारा। अभी हम एसपी महोदय से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना की जाए, पूरी छानबीन करके उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उस पर अमानवीय व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि जैसे आप पुलिस कानून व्यवस्था की रक्षा करती है, ऐसे ही देश के पूर्व सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो हम सबका काम एक ही है, हम सबको देश की कानून व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाना चाहिए। तो इसी के सिलसिले में आज हमारी मुलाकात हुई डीएम साहब से, उनको ज्ञापन दिया। सूबेदार विजय जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। आज जो है कि दिन प्रतिदिन सैनिकों पूर्व सैनिकों के ऊपर राज्य में और पूरे देश में अत्याचार दुर्व्यवहार हर तरह से पुलिस द्वारा या अन्य किसी के द्वारा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको कि रोकने के लिए हमने राष्ट्रपति महोदय के पास एक ज्ञापन दिया है। बताएं आप। बोल जी, मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। आज अमरोहा डीएम को हमने ज्ञापन दिया है, जिस प्रकार से राज्य सरकारें लगातार राज्य पुलिस सैनिकों पूर्व सैनिकों और सैनिक बलों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा के उनको जेलों में बंद कर रही हैं, तो इसके लिए हमने ज्ञापन। मोस्टली तो हमारी निर्णय ये है कि पुलिस जो है ना एक बार गलत तरीके से झूठे मुकदमे लगाती है, तो कम से कम अगर गलत है जांच करने का काम किया जाए ये वो मोस्टली कई बार हो रहा सर, पीलीभीत में हुआ, यहाँ भी अमरोहा में भी हुआ, बिना जांच की हुए पता नहीं वो क्या इससे रहती है, जबकि वर्दी वालों को तो आपस में प्यार होना चाहिए सर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं तेजवीर सिंह अलूना, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। और अभी फिलहाल मैं हूं जिला अमरोहा के जोया टोल के पास। यहां पे बहुत सारे किसान डेढ़ महीने से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, 8 महीने से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो आज मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पूर्व सैनिक, आज पूर्व सैनिक भी इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। तो बात करेंगे मिश्रा साहब, कहाँ से हैं आप? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर, जवानों के ऊपर, अर्धसैनिक बलों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, किसानों के तीनों किसी बिल को लेकर वापस करने, प्लस सैनिक पूर्व सैनिक अर्धसैनिक बल के ऊपर प्रदेश सरकार द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनके ऊपर जो पुलिस द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं, उसके संबंध में डीएम और एसपी से मिलकर ज्ञापन। आप बताएं क्या नाम है? मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, गाजीपुर बॉर्डर से आए हैं हम, और यहाँ हमने अमरोहा डीएम को एसपी को ज्ञापन दिया है। राज्य सरकार की पुलिस उत्तर प्रदेश में खासकर और पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों की पुलिस जिस प्रकार से पूर्व सैनिकों अर्धसैनिक बलों के साथ में उत्पीड़न करती है, झूठे मुकदमे दर्ज करती है, कई बार ऐसा होता है कि बिना जांच किए हुए पुलिस आपसी ईर्ष्या में पता नहीं क्यों मुकदमे दर्ज कर देती है, अगर ऐसा भविष्य में होगा तो आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उनको, जैसा अगर वो कानून तोड़ सकते हैं तो कानून हम भी तोड़ देंगे। फिर मेरे साथ हैं जिला अध्यक्ष जी, आप कुछ कहेंगे जवानों और किसानों पे जो मुकदमे करती है पुलिस, उसके बारे में? मैं जयपाल सिंह रसूलपुर, सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और जैसे ये झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं किसानों पर, उनका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। पूर्व जवानों पर भी तो लगा, जवानों पर भी, वो हमारे जवान है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन पर भी झूठे मुकदमे अगर यदि लगेंगे तो हम उनका साथ कंधे से कंधा लगा कर देंगे। वो सारे खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? आए दिन ऐसा हो रहा है, उनका विरोध करेंगे हम, और क्या करेंगे? ये किसानों के साथ साथ पूर्व जवानों पर, पूर्व सदस्यों पर भी मुकदमे कर देती है पुलिस, तो इसके बारे में क्या विचार है? सरकार को सीधा संदेश हम ये देना चाहते हैं कि ऐसी हरकतों से वो बाज आए,
इससे वो डरा नहीं सकती, इससे विरोध और बढ़ेगा। लोकल पुलिस के लिए क्या संदेश है? लोकल पुलिस के लिए संदेश है कि इससे आपकी भी छवि खराब होती है। किसी भी किसी भी मुकदमे को दर्ज करने से पहले उसके पूरी तरीके से उसे वेरीफाई कर लें, उसकी पूरी जांच कर लें, उसके बाद ही कोई मुकदमा। कई बार ऐसा होता है कि अपराध हो गया होता हो और उसका दर्ज नहीं करती है, मारपीट हो गई है, चोर हो गई है, डकैती हो गई है, लेकिन झूठे मुकदमे कर देते हैं। मुकदमे ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इससे प्रशासन की और पुलिस की छवि बहुत धूमिल होती है, एक आम जनता में जो एक इमेज होती है वो धूमिल होती है। सबका यही कहना है कि जवान हो या किसान हो, किसी पर भी झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठे मुकदमे से पुलिस की सरकार की छवि खराब होती है। अगर अपराध हुआ है और सच में किया तो उस पर मुकदमा दर्ज हो, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज होना बहुत खराब है। तो मेरे साथ थे ये किसान और जवान भी साथ में। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जय हिंद यूनियन जिंदाबाद। ये झूठे मुकदमे होते हैं आए दिन, झूठे मुकदमे पे हम वो गलत है, उसका हम विरोध करेंगे पूरी तरीके से। इसका जांच होने के ही मुकदमे लगने चाहिए किसी पे, नहीं तो हम पूरे जैसे भी आदेश होगा उस दोषी है तो मुकदमा दर्ज हो, अगर निर्दोष है तो निर्दोष है, मुकदमे नहीं लगने चाहिए उन पर। अगर ऐसा करती है पुलिस, ऐसा करती है तो हम उसका विरोध पूरा प्रकट करेंगे, हर तरीके से सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? हाँ ठीक है, जो हमारे पर अत्याचार हो रहा है उसका हम जो है विरोध करेंगे। धन्यवाद।